वेलकम यू ऑल ऑन द क्लासेस ऑफ करियर क्वेस्ट पंजाब। सो आज का टॉपिक अपना है जी परसेंटेज। परसेंटेज का देखो की मतलब होंगे जी, अगर आप इनू हिंदी में देखिए तो की मतलब हो गया प्रति सौ, ठीक है, या इसनू ही आप अगर ब्रेक करिए पर मतलब की होंगे एक स्लैश ते सेंट मतलब सेंचुरी, सेंचुरी च किन्ने नंबर होंगे ने सौ, ठीक है जी। यही चीज़ होंगी अपनी परसेंटेज। परसेंटेज एक बहुत ही ईजी जहा टॉपिक है, बस थोड़ा जहा कैलकुलेशन पर ध्यान देना होगा अपन, ठीक है। ये चीज़ तो समझ आ गई ना जी, प्रति सौ। तो परसेंटेज का साइन या आप परसेंटेज नू डिनोट किमें करते हैं, क्लियर है जी इतने तक? इट इज बेसिकली नॉर्मल कैलकुलेशन और वी कैन से माइंड कैलकुलेशन। थोड़े हाथ नालों पहला थोड़ा दिमाग चलना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नंबर की गल करा, अपन क्वेश्चन च दिता होया 50% ऑफ 1400, 50% ऑफ 1400। इसका देखो फर्स्ट स्टेप की होगा, जो ही आप इतने परसेंटेज का साइन दिता होगा आप करा परसेंटेज में साइन में हटा देना। जो ही परसेंटेज का साइन आप हटाने तो नीचे की लग जाएगा 100 ऑफ द मल्टीपल थोनू की दसिया सिंपलीफिकेशन के मल्टीप्लाई होंगे 1400 एज इट इज उतर जूगा। तो दो जीरो नाल दो जीरो जो आप कटांगे की बच गया अपने को 50 × 14। हूँ अगर तो 14 का टेबल आता होगा 14 × 5 कि होंगे 70, एक जीरो आ वाली तो आंसर की हो गया जी 700। मेन तो थोनू इस क्वेश्चन कराने का मकसद ये सीगा अगर परसेंटेज दिता होया तो परसेंटेज नू हटाना किवें है, क्लीयर हो गया जी। एवें ही अगर अपन क्वेश्चन आ जाए 60% ऑफ 1800, इसका की आंसर होगा जी, दसो जल्दी। दसो जल्दी इसका की आंसर होगा। सब तो पहला स्टेप देखो अपना की होएगा, 60% नू हटा देना तो नीचे की लग जूगा 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1800, दो जीरो नाल दो जीरो कटती आप फिर 18 × 6 कि होंगे 108, आ वाली जीरो भी आ जूगी नाल, ता आंसर की आ गया अपने को 1080। ऐं अगर आप तीजा क्वेश्चन करिए 75% ऑफ 3000, जल्दी इसका आंसर देखो की आएगा। ट्राई बाय योरसेल्फ, हरी अप। सेवेंटी 75% नू हटाना तो नीचे की लग गया 100 ऑफ द मतलब मल्टीप्लाई 3000। हूँ अगर आप इतने ध्यान नाल देखिए 25 का टेबल ही चल रहा है, 75 ते 100 25 के टेबल ते आंदा आप कटता 25 × 3 कि होंगे 75, 25 × 4 कि होंगे 100, तो अपने को बच गया इनडायरैक्टली। हूँ इनू दो दे टेबल ते कट दो पहला, फिर 1500, दोबारा फिर चला गया 750, एट लास्ट वी हैव लेफ्ट विद 3 × 750। 750 नू अगर आप 3 ना मल्टीप्लाई करांगे तो ऑटोमैटिकली अपने को आंसर की आ जूगा 2250। कटिंग तुसी अपने अकॉर्डिंग जिवें मर्जी कर सकते हो,
ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ 22% ਆਫ 3000 ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 22% ਹਟਾਤਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 100 × 3000 20 ਨਾਲ 20 ਕੱਟਤੀ 22 × 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 66 ਇੱਕ 0 ਲਗਾਤੀ 660 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ 22 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ 3000 ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 20% ਲੈ ਲਓ ਇਸਦਾ 3000 ਦਾ 20% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 600 ਫਿਰ 2% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 3000 ਦਾ 60 ਕਿਵੇਂ ਲਿਤਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਗਰ 20% 600 ਹੈ ਤਾਂ 2% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ 0 ਹੀ ਹਟਾਉਣੀ ਹੈ 20 ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2 ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ 0 ਹਟਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਹੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਅਗਰ 20% 600 ਹੈ ਤਾਂ 2% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ 0 ਹਟਾ ਦਿਓ 60 ਆਪਸ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 660 ਉੱਪਰ ਵੀ 660 ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਨ ਹੀ ਪਕੜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ 100 ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ 1/2 ਦੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 50% 1/3 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 33.33% 1/4 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟ ਵੈਲਿਊ 25% 1/5 ਦੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਰੀ ਪਰਸੈਂਟ ਵੈਲਿਊ 20% 1/6 ਦੀ ਪਰਸੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 16.66% 1/7 ਦੀ ਪਰਸੈਂਟ ਵੈਲਿਊ 14.28% 1/8 ਦੀ ਪਰਸੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਜਲਦੀ 1/9 ਦੀ 1/10 ਦੀ 1/11 ਦੀ ਐਂਡ 1/12 ਦੀ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 12.5 ਇਸਦੀ 11.11 ਇਸਦੀ 10% 1/11 ਇਸਦੀ ਕੀ ਆਊਗੀ 9.99% 1/12 ਦੀ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ 8.33% ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਏ ਹਾਰਟ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਬਟ ਉਸ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਜਲਦੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਹੋ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬੋਲ ਲਓ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬੋਲ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸ ਪਰਸੈਂਟ ਆਫ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ ਪਰਸੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ 10% ਆਫ 50 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ
50% ऑफ 10 वेयर एक्स आई हैव टेकन एज 10 एंड वाई आई हैव टेकन एज 50। ठीक है, कैन का की मतलब है परसेंट, हटाता था नीचे किया गया 100 ऑफ द मतलब 50 इज इक्वल टू 50 अपॉन 100 इंटू 10। जीरो नल जीरो कट गई, आंसर की आ गया 5। इधर भी किया आ गया, जीरो नल जीरो कट के आंसर की आ गया 5। की समझ आया देखो इस तो अपन कि परसेंट जिदे नाल मर्जी होवे तुसी इंटरचेंज भी कर सकते हो, आंसर थोड़ा सेम ही आएगा। मतलब कि वे अगर मैं कहां 20% ऑफ 100 किन्नी वैल्यू बनूगी, 20% ऑफ 100 20 बनेगी, या मैं एवं भी लिख सकता 100% ऑफ 20 तो वह भी किन्ना ही होगा 20। ये चीज़ सिंपलीफिकेशन दे विच बहुत कम आती है, इस नाल कैलकुलेशन अपनी बहुत आसान हो जाती ने। ठीक है जी, कर दें रेज, सबने याद रखनी है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की है जी एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ एक्स। चलो हुन क्वेश्चंस स्टार्ट करने आप करने। टाइप वन, टाइप वन का क्वेश्चन की है जी, लिखो इफ 50% ऑफ पी, इफ 50% ऑफ पी इज इक्वल टू 25% ऑफ क्यू। आई रिपीट, इफ 50% ऑफ पी इज इक्वल टू 25% ऑफ क्यू, देन then p is equal to x percent of q, find the value of x। clear हो गया question? if 50% of p is equal to 25% of q, then p is equal to x percent of q, find the value of x। ठीक है जी, यू हैव 10 सेकेंड्स, गिव इट अ ट्राई। कुछ नहीं करना, सब तो पहला सिंपलीफाई करांगे आपा, उस तो आपां नूं की मिलूगा पी ते क्यू दी वैल्यू आ जूगी, फिर जो इक्वेशन मैं बोर्ड ते लिखी सी उस च वैल्यू पा देनी ताकि अपने कोल एक्स दी वैल्यू आ सके। की सीगा देखो क्वेश्चन, 50% ऑफ p इज इक्वल टू 25% ऑफ q, यही गिवन सी जी, है ना अपन क्वेश्चन। हुन हुनी हुनी आप पीछे फ्रैक्शन वैल्यू देख के हटे हाँ, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी सी, 1/2 ऑफ द मतलब मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी देखी सी आप, 1/4 ऑफ द मतलब मल्टीप्लाई q। कटिंग कर दी आप 1 ते 2, की बचेगा अपने को पी अपॉन 1 q/2। शफलिंग कर सकते आप, क्यू नू इधर ले आने, 1 नू इधर ले जाने। क्लियर हो गया, ये तो आपां नू की पता चलिया पी दी वैल्यू कितनी आ गई 1 ते क्यू दी वैल्यू कितनी आ गई 2। हुण आपां नू क्वेश्चन दे विच गिवन सीगा पी इज x परसेंट ऑफ q, कुछ नहीं करना बस p ते q दी वैल्यू चक के इत्थे फिट कर देनी है, 1 इज इक्वल टू x अपॉन 100। 100 क्यों आया जी, क्योंकि आपां परसेंट रिमूव करता, q दी वैल्यू किन्नी है 2, कटिंग कर दिए 2 दे टेबल ते किन्ना आ गया 50, x दी वैल्यू किन्ना आ गई अपने कोल 50। यही आंसर है जी इसका, आपां नूं क्वेश्चन च यही पूछा होया सी वी एक्स दी वैल्यू किन्नी है, तां आपां किन्नी फाइंड करिए एक्स दी वैल्यू 50।
ठीक है जी, इतने तक हो गया क्लियर? बिल्कुल सेम टाइप द एक क्वेश्चन बोल रहे हैं मैं। इफ 20% ऑफ, इफ 20% ऑफ पी प्लस क्यू, इफ 20% ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 50% ऑफ पी माइनस क्यू, देन फाइंड फाइंड पी रेशो क्यू। क्लियर हो गया जी? की चीज फाइंड करनी है, इफ 20% ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 50% ऑफ पी माइनस क्यू, फाइंड पी रेशो क्यू। एग्जैक्टली सेम इसी नाम है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कि देखी सी जी, 1/5 ऑफ द मतलब मल्टीप्लाई पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कि देखी है, हाफ ऑफ पी माइनस क्यू। कर दो सिंपलीफाई। सिंपलीफाई किमें करोगे? इतने 1/5 है, यानी कि 5 पी प्लस क्यू के डिवाइड मतलब डिवीजन च है, इधर 1/2 है, यानी कि 2 है जिहड़ा वो पी माइनस क्यू के डिवीजन च है। तो आप की करेंगे, 2 नू इधर ले आवेंगे तो 5 नू इधर ले जाएंगे। अगर इतने डिवाइड च है इक्वल दी उधरली साइड लैके जावेंगे तो की हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्लीयर हो गया इतने तक? 2 इधर डिवाइड च है इक्वल दे इधर ही साइड लैके आवेंगे तो की हो जूगा? मल्टीप्लाई। हूँ इस 2 नू पी नाल भी मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 नू क्यू नाल भी, की बन जूगा अपने को 2p प्लस 2q। अगेन 5 नू भी इस नाल मल्टीप्लाई करना है, 5 नू इस नाल भी करना है तो की बन जाएगा? 5p माइनस 5q। क्लीयर हो गया जी? हूँ शफलिंग कर लो, क्यू माइनस है अपन प्लस चाहिए इधर ले आओ तो यह बन जाएगा 5q प्लस 2q। मैं कहता कि मतलब है क्यू वाली टर्म एक साइड इकट्ठी कर लो तो पी वाली एक साइड, इधर की आ जूगा 5p प्लस द है इधर उधर ले जाके की हो जूगा? माइनस द, एक ही हो जाएगा अपना 7q इज इक्वल टू 3p। हूँ इतने तक सब का क्लीयर हो गया जी? हूँ अगे आप पी तो क्यू की वैल्यू चाहिए है, तो पी की वैल्यू केड़ी होएगी अपनी? 7। क्यू की वैल्यू केड़ी होएगी? 3। एक स्टेप बच जाएगा थोड़ा इस नाल, यही आऊगी मतलब ऑपोजिट वैल्यूज होंगे ने, अगर एवें दी इक्वेशन बन जाती है यह स्टैप लिखन की जरूरत नहीं होंगी अपन। तो हूँ अपन क्वेश्चन च की पूछा सीगा, फाइंड पी रेशो क्यू, फाइंड पी रेशो क्यू, पी की वैल्यू अपने को कितनी आई है? 7। क्यू की वैल्यू कितनी आई है अपने को? 3। एंड दिस इज योर आंसर, 7:3। हाँ जी, क्लीयर हो गया जी सबनों? बहुत बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, इफ 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, इफ 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 2x% ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यू हैव 10 seconds, give it a try।
हाँ जी आ गया जी शब्द। करिए। चलो जी नाइन्टी परसेंट ऑफ ए, 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। परसेंट हटा देंगे नीचे की लग जाएगा 100, अगेन परसेंट हटा देंगे नीचे की आ जाएगा 100, 100 नाल 100 कट सकते हैं की बच गया अपने को 90 ए इज इक्वल टू 30 बी, 0 नाल 0 का फिर कटता की बच गया अपने को 9 ए इज इक्वल टू 3 बी। हूँ तो एना देखो 3 ते 9 3 दे टेबल पे जाते हैं है ना, की बच गया 1 बी। क्लियर हो गया जी। हूँ अगेन ए दी वैल्यू कितनी हो जूगी 1, बी दी वैल्यू कितनी होगी अपने को 3। हूँ अगे अपन पूछे की होया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बट उस लिए अपन एक इक्वेशन दी हुई है की चीज़ b इज इक्वल टू 2x% ऑफ a। b दी वैल्यू किन्नी दिती हुई है अपन 3 इज इक्वल टू 2x% हटाता तो नीचे की आ जाएगा 100, a दी वैल्यू किन्नी है 1, 2 दे टेबल पे कटता की आ जाएगा अपने को 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 50 इंटू 1। हूँ 50 इधर डिवाइड चाहे इक्वल इधर वाली साइड लेके आवेंगे तो की हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 50 कितना होता है 150, दैट मीन एक्स की वैल्यू थोड़े को कितनी आ गई 150। हाँ जी क्लियर हो गया सबनों। एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क, प्लीज नोट दैट इन योर नोटबुक। क्वेश्चन की है इफ एक्स इज 20% लेस देन वाई, इफ एक्स इज 20% लेस देन वाई देन फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, प्लीज ट्राई। हूँ आप मूव कर दिया सेकेंड टाइप वल। टाइप की है जी देखो लिखो एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। क्वेश्चन के विच अक्सर अपन इस लाइन या फाइंड यह चीज करन नू कही जाती है, तो इसनू किवें करांगे देखो आप x is what percent of y, x is what percent of y, यही चीज़ दिमाग से रखनी है कि x y का कितना परसेंट है। लेट अस सपोज मैं एक एग्जांपल ले ली, x कितना है 10 ते y में ले लिया 50। हूँ अपन पूछे भी यह जो 10 है ये 50 का कितना परसेंट है, 10 है जेड़ा वह 50 का कितना परसेंट है, 0 नाल 0 कट गई 2 तो की बच गया 10 इंटू 2 कितना परसेंट है जी 20%। एवें ही क्वेश्चन आपको दिता होंगे ठीक है, चीज़ दिमाग च रखनी है कि उपर कि आऊगी तो नीचे कि। एक्स इज वट परसेंट ऑफ वाई,
तबाही की आया, नीचे आया। हुन अगला एक की है, सेकंड पार्ट इस दा की है जी, एक्स इज वॉट परसेंट मोर देन वाई। इस दे लिए दसो की इक्वेशन बनेगी। अगर मैं इसनू पंजाबी चे ट्रांसलेट करा, तो पूछा गया है एक्स वाई तो किन्ने परसेंट ज्यादा है। क्लियर है जी? आई रिपीट, एक्स इज वॉट परसेंट मोर देन वाई। पहले तो यही देखेंगे एक्स ज्यादा है वाई तो कितना ज्यादा है, किवें पता चलूगा? एक्स दे विचों वाई माइनस कर देंगे, अपॉन एक्स इज वॉट परसेंट मोर देन वाई, जिहड़ी चीज़ बाद दे विच है उसनों नीचे रख दो। अगर नहीं याद हो रहा कि नीचे की रखना है, तो जिहड़ी चीज़ बाद दे विच है उही की आऊगी नीचे, इंटू 100। यही इक्वेशन बनेगी इस। अगर अपन आ जाता एक्स इज वट परसेंट लैस देन वाई, एक्स इज वट परसेंट लैस देन वाई, फिर की इक्वेशन बननी सी एक्स इज वट परसेंट लैस देन वाई, दैट मीन्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स। अपा पता करना है भी वाई एक्स तो कितना बड़ा है, किवें पता कर सकते हैं? वाई माइनस एक्स, बाद नीचे की आऊगा, बाद वाली चीज x इंटू 100। क्लियर हो गया जी? ये हो गया अपने दो केस। एवें ही तीजा केस आप की बना सकते हैं, y इज वट परसेंट मोर देन x। तीसरा केस की है y इज वॉट परसेंट मोर देन x, y इज वॉट परसेंट मोर देन x कि y x तो किन्ना ज्यादा है, किन्ना ज्यादा है माइनस करके पता चल जूगा नीचे की आऊगा बाद वाली चीज इंटू। चौथा केस की हो सकता है y is what percent less than x। क्लियर है? फिर की इतने की पता चल रहा है अपन, वाई इज वट परसेंट लैस दैन एक्स की वाई एक्स तो घट है, तो आप बड़े चो छोटा माइनस करेंगे, है ना? तो नीचे की इतने नीचे की आऊगा बाद वाली चीज इंटू 100। समझ आ गया जी क्वेश्चन किवें किवें बनेगा? जल्दी नोट करो। हुण एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस दी टाइप पे ही, ताकि होर क्लियर हो सके। ये चौथा पॉइंट सीगा अपना, तो यह पंजवा, नंबरिंग चेंज कर लो। यह चौथा पॉइंट सी, तो यह पंजवा, ठीक है? चलो जी अगला क्वेश्चन लिखो। इफ एज हाइट इज 10% लैस दैन बीज हाइट, if a's height is 10% less than b's height, then by how much b's height, then by how much b's height is more than a's height।
ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਫ ਏਜ਼ ਹਾਈਟ ਇਜ਼ 10% ਲੈਸ ਦੈਨ ਬੀਜ਼ ਹਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਤੋਂ 10% ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ 100 ਮੰਨਣਾ, ਤਾਂ ਏ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ 10% ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ 100 ਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 100 ਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 10, ਤਾਂ 10 ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 90। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਏ ਹਾਊ ਮੱਚ ਏਜ਼ ਹਾਈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਬੀਜ਼ ਹਾਈਟ, ਬਾਏ ਹਾਊ ਮੱਚ ਬੀਜ਼ ਹਾਈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਏਜ਼ ਹਾਈਟ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਬਾਏ ਹਾਊ ਮੱਚ ਬੀਜ਼ ਹਾਈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਏਜ਼ ਹਾਈਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੱਸੋ ਏ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਏਜ਼ ਹਾਈਟ ਵੀ ਏ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, 90 × 100, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। 100 − 90 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 10/90 × 100, ਇਹ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 100/9। ਹੁਣ 100/9 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1, 9, 0 ਤਾਰਤੀ, ਫਿਰ 1 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 9, 1 ਬਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ 0 ਉਤਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਲਗਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਪੁਆਇੰਟ, ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, 11.11%। ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਲਿਖੋ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਇਫ ਐਕਸ ਇਜ 10% ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਾਈ, ਇਫ ਐਕਸ ਇਜ 10% ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਾਈ, ਦੈਨ ਬਾਏ ਵਾਟ ਪਰਸੈਂਟ, ਦੈਨ ਬਾਏ ਵਾਟ ਪਰਸੈਂਟ ਐਕਸ ਇਜ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਈ, ਐਕਸ ਇਜ ਲੈਸ ਦੈਨ, ਸੋਰੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੋ, ਇਫ ਐਕਸ ਇਜ 10% ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਾਈ, ਦੈਨ ਬਾਏ ਵਾਟ ਪਰਸੈਂਟ ਵਾਈ ਇਜ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਕਸ, ਦੈਨ ਬਾਏ ਵਾਟ ਪਰਸੈਂਟ ਵਾਈ ਇਜ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਕਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ 'ਚ ਐਕਸ 10% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ, ਵਾਈ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, 10% ਜ਼ਿਆਦਾ, 100 ਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 10, ਤਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 110। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੈਨ ਬਾਏ ਵਾਟ ਪਰਸੈਂਟ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਕਸ, ਵਾਈ ਐਕਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ, ਤਾਂ 10/110 × 100। ਕਰੋ ਡਿਵਾਈਡ, ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 9/1/11। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਸੈਲਰੀ, ਸੈਲਰੀ ਬੋਲ ਲਓ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਬੋਲ ਲਓ, ਵਨ ਐਂਡ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਲਿਖੋ, ਰਾਧਾ ਸਪੈਂਡਸ 40% ਔਫ ਹਰ ਸੈਲਰੀ, ਰਾਧਾ ਸਪੈਂਡਸ 40% ਔਫ ਹਰ ਸੈਲਰੀ ਔਨ ਫੂਡ, 20% ਔਨ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ, 20% ਔਨ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ, 10% ਔਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, 10% ਔਨ
ट्रांसपोर्ट इफ हर सेविंग्स एट द एंड ऑफ मंथ इफ हर सेविंग एट द एंड मंथ आर 1500 देन हर सैलरी पर मंथ इज क्वेश्चन क्लियर होया इस क्वेश्चन की करना है बेस वैल्यू आप कितनी मान लांगे बेस वैल्यू आप मान लांगे 100 भी साढ़े कहते 100 रुपये तनखा है जी ठीक है 100 रुपये तनखा है उस दे विचों राधा की कर रही है 40% कितने खर्च कर रही है 40% कितने खर्च कर रही है फूड ते 10% एंटरटेनमेंट ते 10% ट्रांसपोर्ट ते ठीक है ते 20% कितने खर्चा कर रही है हाउस रेंट उन्हें टोटल की हो गया जी अपना कोल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा है ना खर्चा हो गया सैलरी कितनी बननी सी अपा 100 खर्चा कितना करता 40 ते 10 50 50 ते 10 60 60 ते 20 80 की करता जी अपा खर्चा करता हुण मेरी जेब च 100 रुपया सी 100 रुपए दे विचों मैं 80 खर्चा करता तो मेरे को रह कितना गया 20 ए 20 मेरी की होई जी सेविंग्स ठीक है लॉजिक है अगर मेरी जेब च 100 रुपए है 80 रुपए मैं खर्चा करता तो मेरे को की बच गया सेविंग्स बचेंगी मेरिया या इस दे लिए तुसी एक फॉर्मूला लिख सकते हो इनकम का की फॉर्मूला होंगे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स हुण इनकम कितनी सी अपनी 100 एक्सपेंडिचर अपना कितना हो गया 80 सेविंग्स आपा फाइंड करनी है 80 दे विच 100 दे विचों 80 माइनस कर दोगे की बच जाएगा 20 यही की हुई अपनी सेविंग्स क्लियर हो गया हुण देखो अगे अगे अपन देखो की क्या होया अपने कोल किन्ने किन्ने बच गई 20 लेकिन क्वेश्चन च की क्या भी वह 1500 बचा पा रही है ना क्वेश्चन च अपन की क्या होया कि वह 1500 बचा पा रही है अगर वह 1500 बचा पा रही है सीधा सीधा कह दिए 20 दी वैल्यू किन्नी है 1500 ते पूछिए की है अपन इनकम इनकम अपा किन्नी लेट करी सी 100 अगर 20 दी वैल्यू 1500 है तो 100 दी किन्नी होएगी एक्स ले लो अगर एक्स नहीं लेना 20 तो 100 तक पहुंचना किदे नाल मल्टीप्लाई करिए 5 नाल अगर उधर मल्टीप्लाई 5 नाल कर रहे हैं तो इधर भी कर दो तो आंसर की आ जाऊगा अपने कोल 7500 क्लियर हो गया जी सब नूं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्पेंड्स 5475 रुपीस ए स्पेंड्स 5475 रुपीस ऑन बर्थडे पार्टी ऑन बर्थडे पार्टी एंड 28 5 2 5 ऑन बाइंग होम अप्लायंसेस की मतलब होया कहंदा ए ने अपने बर्थडे पार्टी से कितना खर्चा करया 5 5 4 7 5
एंड अपना हाउस अपलायंसिस नू बाय करन लई किन्ना खर्चा करिया 28525। अगे एंड द रिमेनिंग 25% ऑफ द टोटल अमाउंट एंड द रिमेनिंग 25% ऑफ द टोटल अमाउंट ही हैड एज कैश विद हिम। What was the total amount? आप हम टोटल सैलरी दस दी है भी उसकी किन्नी है, खर्चा तो करता उसने किन्ना किन्ना खर्चा करया जिन्ना जिन्ना बोर्ड पर लिखा हुआ। नाउ वी हैव टू फाइंड द सैलरी ऑफ ए। फॉर्मूला ध्यान च रखना बस एक, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। क्लियर हो गया। हूँ अगर इनकम आप 100 मान लीए, एक्सपेंडिचर आपां नूं पता नहीं लेकिन क्वेश्चन आपां नूं की क्या होया भी वह 25% सेव कर पा रही है, 25% सेव कर पा रही है या कर पा रहा जो भी है, तो एक्सपेंडिचर किन्ना हो गया अपना 100 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपने को आ गया 75। क्लियर हो गया। हूँ बर्थडे पार्टी पर खर्चा कर रही है 55475 एंड होम अपलायंसिस से किन्ना कर रही है 28525। बाकी का जोड़ा बचा होएगा वह हो, सेव करया होएगा यानी कि 25% तो 75% की करया होएगा खर्चा। दैट मीनस इन्हों का जोड़ कि बराबर हो जाएगा 75% के बराबर क्योंकि उन्हें 75% ही खर्चा करे। तो क्वेश्चन आपको की गया हो भी यह दो चीज़ों पर ही खर्चा करे यानी कि जो इसका टोटल होएगा वह किसकी वैल्यू होएगी 75% की। करो दोनों टोटल 84,000 हो गया। उन्हें 84,000 की है खर्चा, इतने एक्सपेंडिचर कि आया सी 75 की वैल्यू कि है 84,000। तो अपने तो हम पूछा की चीज़ है इनकम, इनकम आप कि लैके चल रहे हैं 100। अगर कहें 75 की वैल्यू 84,000 है तो 100 की कि होगी, करो कैलकुलेशन। आंसर अपने को की आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। ये टाइप आप केड़ी कवर करिए सैलरी दी, जो क्वेश्चन दे विच रिमेनिंग वर्ड नहीं लिखा होया बट वेन एवर द रिमेनिंग वर्ड विल कम ये सारे का सारा सीनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, हूँ आप क्वेश्चन करन लग गया रिमेनिंग वाला, हूँ तो थोड़ा जहा चेंज है बस रिमेनिंग दे विच थोड़ा जहा दिमाग आपू ज़्यादा चलाना पैंदा। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। A person gives 20% of his income. A person gives 20% of his income to his elder son. 30% of the remaining. 30% of the remaining to the younger son. क्लियर हो गया जी। एंड टेन परसेंट ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड टू अ ट्रस्ट। अगे लास्ट लाइन, ही इज लेफ्ट विद 10080। फाइंड हिज इनकम।
फाइंड हिज इनकम। चलो 2 मिनट ने थोड़े को जल्दी सॉल्व करो। आया आंसर? बेस 100 ही मनांगे। क्लियर है? देखो किवें करांगे। बेस किन्ना मनिया? 100। बेस यानी इनकम, फादर की इनकम कहते कि 100, जिस दे विचों ओहो 20% किसनों दे रहा है? एल्डर सन। 20% किनू देता? एल्डर सन। क्लीयर है? हूँ अगे की क्या है? 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन। 30% ऑफ द रिमेनिंग मतलब 100 चो 20 देन तो बाद उसका 30% कि बच गया? 80। हूँ इसका 30% किनू दे रहा है? वह यंगर सन नू। तो अगर इनडायरैक्टली, अगर आप इनडायरैक्टली या डायरैक्टली गल करिए, 30% ऑफ 80 कितना होता है? 30/100 × 80। तो 6 × 4 कितना? 24। कि ओहदे कोल 80 रुपए बच गए सी। 80 दे विचों 24 उसने किनू देते? अपने यंगर सन नू। हूँ 80 दे विचों 24 भी माइनस कर दो, किन्ना रह गया? 56। हूँ कहिंदा इसका 10% उसने की करिया? डोनेट करता। 56 का 10% अगर आप कैलकुलेट करना है, 56 का 10% ऑफ 56 किन्ना होएगा? 10/100। 1 0 0 कट गई, किन्ना होगा? 5.6। क्लियर हो गया? 5.6 किसनू देता? डोनेशन करती। 5.6 की करती उसने डोनेशन। तो उसको बच कितना गया होएगा? 50.4। क्लियर हो गया इतने तक? 100 रुपया सी 20 एल्डर सानू देते, 80 रुपये बच गए। 80 का 30% यंगर सानू देता यानी कि 24 रुपये, तो कि बच गया? 56। 56 के 10% डोनेट करता, तो 10% की वैल्यू कि आऊगी? 5.6। तो उस को टोटल माइनस करके कि बच गया? 50.4। बट अपन क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गल करिए, 50.4 की वैल्यू किन्नी दिती हुई है? किन्नी दिती हुई है दसो? 10080। उन्हें यही क्या है ना कि ही इज लैफ्ट विद 10080। अपने को कि बच गया? 50.4। क्वेश्चन कि दिता हो 10080। डायरैक्टली मैं कह सकता 50.4 की वैल्यू कि 10080। अगर 50.4 की वैल्यू 10080 है तो 1 की वैल्यू कि होगी? ठीक है, पूछा कि है इनकम, इनकम आप कि लैके चलते हैं? 100। तो 100 की वैल्यू कि होएगी? 10080/50.4×100। कर लो सॉल्व, थोड़ा आंसर आ जाएगा। आंसर की आऊगा?
20 नहीं 200 इंटू 100 आंसर अपने को आ गया 20,000। क्लियर हो गया जी। बहुत बेसिक जी टाइप है लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप एंड पेपर दे विच अक्सर आपां नूं इत्थों दी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन अज दा करदे आं, थोड़ा हाई लैवल क्वेश्चन है बट अगर माइंड च बसा लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा थोड़े लिए। लिखो क्वेश्चन, द मंथली सैलरी ऑफ ए प्लस बी टूगैदर अमाउंट्स टू 40,000। मतलब की हो गया, दोनों की सैलरी दिती हुई है अपन कि दोनों की मिला के किन्नी है 40,000। अपन यह नहीं क्या होया कि ए दी 20,000 है तो बी दी 20,000 है, नहीं दोनों की मिला के 40,000 कही हुई है, किसी की कुछ मर्जी हो सकती है। अगे लिखो क्वेश्चन, ए स्पेंड्स 85% ऑफ हिज सैलरी, ए स्पेंड्स 85% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड्स 95% ऑफ हिज सैलरी 95% ऑफ हिज सैलरी इफ नाउ देयर सेविंग्स आर सेम देन फाइंड द सैलरी ऑफ ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किवें करोगे, देखो किन्ने बंदे ने, दोनों की मिला के सैलरी किन्नी है 40,000। एक जस्ट रॉ एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर ए नूं मैं 20,000 दे दा तो बी दी किन्नी होएगी 20,000 है ना। किवें आया या छड्डो हले पहले, ये देखो अगर ए दी सैलरी एक्स है तो बी दी किन्नी होएगी 40,000 माइनस एक्स है ना। किवें करिया देखो, पहली हूँ पहली एग्जाम्पल देखो, अगर 40,000 दोनों की कट्ठी सैलरी है, ए दी किन्नी होगी 20,000 तो बी दी किन्नी होएगी, किवें फाइंड करी सी आपां, टोटल दे विचों ए दी माइनस कर दिए बी दी आ जाएगी, ठीक है। ये 20,000 किवें आया एवें, हुण एवें ही आपां इधर करिए, अगर ए दी सैलरी आपां एक्स मान लीए, कुछ भी हो सकती है, तो बी दी किन्नी होएगी 40,000 माइनस एक्स। क्लियर हो गया। दो बंदे ने ए ते बी, सैलरी दी आपां गल कर रहे हैं पहला, ए दी सैलरी आपां किन्नी मान ली एक्स, दोनों दी कट्ठे मिला के किन्नी सी 40,000। अगर ए दी एक्स है इसकी किन्नी होएगी 40,000 माइनस एक्स। तो हूँ आपां नूं एक्सपेंडिचर बारे की कहा होया दोनों दे, कहिंदा ए है जो अपनी इनकम का 85% खर्चा कर देंदा, अगर ए 10,000 कमांदा उसका 85% यानी कि 8,500 खर्चा कर देंदा। हूँ इत्थे आपां नूं इनकम पता नहीं, ए खर्चा किन्ना कर रहा है 85% ऑफ हिज इनकम, इनकम किन्नी है एक्स, तो बी कहिंदे किन्ना खर्चा कर रहा है 95% ऑफ हिज इनकम, इनकम किन्नी है 40,000 माइनस एक्स। क्लीयर हो गया जी। यह ए ने 100 इनकम सी 85% खर्चा करता तो सेविंग्स किन्नी रह गई होंगी, सेविंग्स दसो किन्नी रह गई होंगी 15% ऑफ एक्स, इसकी 100 इनकम सी 95 खर्च करती तो सेविंग्स किन्नी रह गई 5% ऑफ इज यानी कि 40,000। बड़ो ध्यान नाल लाइन देखो, आपां नूं क्वेश्चन दे विच लाइन दित्ती हुई है, इफ नाउ देयर सेविंग्स आर सेम, कहिंदे दोनों दी सेविंग्स सेम है
मतलब ए ते बी दी गल कर रहे हैं, वो दोनों की सेविंग्स सेम है, करती सेम, आप कर लो सॉल्व, परसेंट ना परसेंट कट गया, ऑफ ना ऑफ कट गया, की बच गया 15x इज इक्वल टू 5, यही बच गया, फिर कट दो इनू 3 ते 1, की बच गया 3x इज इक्वल टू 40,000 माइनस एक्स, एक्स इतने माइनस है, इक्वल दी इधरली साइड आऊगा तो की हो जाएगा प्लस, तो 3x प्लस एक्स कि हो गया 4x इज इक्वल टू 40,000, एक्स की वैल्यू कि आ जाएगी 40,000 अपॉन 4 इज इक्वल टू 10,000, यही अपना आंसर होएगा, एक्स की वैल्यू कि आ गई 10,000। हूँ उन्होंने पूछा कि होया, दैन द सैलरी ऑफ, मतलब फाइंड द सैलरी ऑफ ए, ए की सैलरी आप कि मन के चले सी एक्स, तो एक्स ही आया अपने को, ए की सैलरी कि होगी अपने को 10,000। अगर आपको बी की पूछी होंगी तो आप करते ए इक्वेशन चकते, इस एक्स की वैल्यू फिल करते कि 40,000 माइनस 30,000। हाँ जी, क्लीयर हो गया इतने तक, बड़ी ही इंपॉर्टेंट टाइप से यह, अगले लैक्चर आप कवर करांगे वोट्स वाला कॉन्सैप्ट, मतलब किनिया वोटा पैंदियां ने इलेक्शन वाला, मार्क्स वाला कॉन्सैप्ट करांगे, ते नाल ही एक दो छोटे छोटे जे होर देखांगे, ठीक है जी। हाँ जी, उम्मीद करदा सबनों क्लास समझ आई होगी, ठीक है, तो प्रैक्टिस किसी ने नहीं छड़नी, अपने आप अपने बेसिस से भी प्रैक्टिस करते जाना है, तो जो भी आप क्लास करते हैं वो अपने आप रिवाइज भी जरूर करना ही करना, ठीक है जी। अज का साथ अपना इतने तक का ही सी, खुदा हाफिज़।